Hey, hello and what is up traders, welcome back to another video, welcome to Finostat Stocks Trader YouTube channel. How is the Joes guys, कैसा है आज का दिन मार्केट में? तो वन साइड रैली देखा हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी में, कंटिन्यूअस डाउन साइड में यहाँ पे जो रैली दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी ने, गैप डाउन हुआ उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली डाओ भी यहाँ पे नीचे गिर गया. ऑल्सो निफ्टी बैंक निफ्टी भी ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए रिकवरी नहीं दे पाया, नीचे ही गिरते रही. तो यहाँ पे डे लो पे जाके बंद हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी. तो बात करेंगे कल का, यहाँ पे रिकवरी आ सकती है या तो फिर से गैप डाउन खुलेगा, फिर आपको जो है डाउनसाइड देखने को मिलेगा. पूरा डिटेल्स में बात करेंगे. फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ऑल्सो एक्स एबीसीडी पैटर्न आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, उसको फर्दर एक्सटेंड करके आपको मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे रिकवरी अगर आती है तो कितने पॉइंट्स की आ सकती है. बिकॉज बहुत लोग जो है ना यहाँ पे 17,950 18,000 के कॉल तक यहाँ पे फंसे पड़े इस एक्सपायरी के, मंथली एक्सपायरी के, तो उन लोग क्या निकल पाएंगे? तो यहाँ पे क्या आपको रिकवरी दिख सकती है मार्केट्स में? पूरा डिटेल्स में बात करेंगे. देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी, मेरे को एफआईआईस डीआईस एंड प्रोस के तो समझ में नहीं आते, लेकिन आपके जो है रिटेलर्स के यहाँ पे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कि 18,100 में बाई कर लूँ क्या, कॉल ऑप्शन फ्यूचर बाई करना है क्या. तो यहाँ पे 17,400 पे जब मैं उनको बोल रहा हूँ कि हाँ आप लॉन्ग अगर आपको करना है तो इस प्राइस पे आप कर सकते हैं, लेकिन दे आर लाइक कि नहीं मार्केट इतना गिरा है और गिरेगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द रिटेलर्स. यहीं पे जो है एफआईएसडीआई पैसा छाप के निकल जाते हैं. जब 15,200 पे आपको मार्केट 10,000 दिख रहा था, 18,000 पे मार्केट आ चुका है. तो अभी इतना अच्छा खासा जो डिप आया, दिस इज द परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी. इफ यू आर अ रियल इन्वेस्टर और अ रियल ट्रेडर, दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन डिप्स. तो यहाँ पे साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा. एक टाइम पे जाके पूरा दुनिया जो है यहाँ पे पूरे सब रिटेलर्स जो है यहाँ पे बुलिश हो जाते हैं. 18,100, 18,400, 18,900, 19,000 साइकोलॉजी को समझिए, फिर जाके एक अच्छा खासा आप कामयाब रिटेल ट्रेडर बन पाओगे. तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को. वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो लोग अभी तक मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कीजिए. एवरीडे बेसिस पे आपको जो है निफ्टी बैंक निफ्टी के यहाँ पे लेवल्स आपको दिए जाते हैं अलॉन्ग विथ फ्यू स्टॉक्स. कुछ स्टॉक्स के भी लेवल्स यहाँ पे मैं देता हूँ. तो मॉर्निंग को बिफोर द मार्केट ओपन्स आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं अबाउट द मार्केट आउटलुक. तो यहाँ पे ट्रेडर्स को जो है ना जो बहुत ज्यादा हेल्प होता है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए. एंड फिनोस्टार स्टॉक ट्रेडर नाम से एक ही चैनल है टेलीग्राम में, थोड़ा डुप्लीकेट चैनल से थोड़ा बच के रहिए, फेक चैनल्स बहुत ज्यादा अभी हो रहे हैं. ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने एक हाफ बैट बनाया है. दिस इज बुलिश एक्स एबीसीडी पैटर्न. तो ये बुलिश, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था एक्स एबीसीडी पैटर्न के बारे में, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है. तो जिसको भी पैटर्न के बारे में नहीं पता है आप वीडियो में जाके क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पे जो है पूरा वीडियो वॉच कीजिए, 23 मिनट्स का वीडियो है. यहाँ पे एक्स एबीसीडी पैटर्न का, बुलिश बियरिश दोनों का मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया. तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ये पैटर्न के बारे में मैंने डिस्कशन की है. तो उसी के हिसाब से मैंने एक बुलिश पैटर्न ड्रॉ किया. कहां से मैंने एक्स लिया है? दिस पॉइंट. तो पॉइंट लो से मैंने एक्स लिया, बिकॉज ऐसे लेवल से परफेक्ट एक जो है पैटर्न बन जाता है. आप देखिए, लो पॉइंट से मैंने हाई को कनेक्ट किया, जो हाई यहां पे फ्यूचर्स में लगा था. मैंने फ्यूचर्स के लेवल को नजर रखते हुए 18,026 का जो हाई लगाया था फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स ने, उसका मैंने हाई जोड़ा है यहाँ पे बी को, कहाँ पे जो है ना रिट्रेसमेंट पे. तो ऐसे करके अगर हम लोग इसको पैन आउट करें तो यहाँ पे फ्यूचर्स के लेवल्स, यहाँ पे सॉरी एक्स एबीसीडी पैटर्न के जो लेवल्स निकल के आते हैं, यहां से एक शार्प आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो 18,000 क्रॉस हो सकता है इसी एक्सपायरी तक. देखिए, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज जस्ट अ पैनिक सेलिंग. यहाँ पे जो है ना वीक बुल्स जो होते हैं, जिन लोगों का कोई डायरेक्शन नहीं होता है मार्केट्स में, वो इन लेवल्स पे निकल जाते हैं. तभी स्ट्रॉन्ग हैंड जो है यहाँ पे जो है बाय करना स्टार्ट करते हैं. मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप डाउन तो होने का चांसेस बहुत कम है. अगर होता भी है, शार्प रिकवरी आपको दिख जाएगा पहली कैंडल से. अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होगी, जिसमें आपको सिर्फ रिकवरी दिखेगा. बिकॉज यहाँ पे जो है ऑप्शन डेटा में देख रहा था, ऑप्शन डेटा में अभी भी कॉल राइटर्स बहुत हैवी क्वांटिटीज में होल्डिंग में है. तो ये सारे प्रेशर पे आ जाएंगे, तो ये जब शॉर्ट कवरिंग करने जाएंगे आपको एक बहुत अच्छा मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा. निफ्टी में कौन सा लेवल आपको ध्यान रखना है? निफ्टी में आपको 17,400
435 या 442 भी स्पेसिफिक, 17,440 के नीचे। देखिए मैं फिर से यहां पे लिख के मेंशन कर देता हूं, बाय पी बिलो 17,440। देखिए नीचे के टारगेट्स तो आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी यहां पे अगर आपको सेलिंग करना है 17,440 में आप बेच सकते हैं निफ्टी को। यहां पे निफ्टी को जो है आपको बिकवाली करनी रहेगी 17,440 के नीचे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,400, सेकंड टारगेट विल बी 17,350, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। 17,350 से एक रिकवरी आनी चाहिए, हेल्दी करेक्शन का जो पूरा ये करेक्शन है, देखिए पूरा जो ये रैली है, पहले तो रैली के बारे में बात करते हैं। 15,200 से 18,000 का ये जो रैली है, 2,800 पॉइंट के रैली में आपको अगर 6-700 पॉइंट का करेक्शन दिख जावे, दैट इज वेरी वेरी हेल्दी। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे मार्केट्स में अगर रनिंग करेक्शन आता है तो पुट कॉल रेशियो भी आपका हल्का होता है, पीसीआर भी देखिए यहां पे हल्का हुआ है, एंड ऑल्सो इंडिया विक्स भी थोड़ा आज भरा है, लेकिन उस हिसाब से आपको इतना ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखा है। तो पीसीआर भी 19 के लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, तो ये देखिए थोड़ा सा बढ़ गया है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा बढ़ा है जस्ट, एंड इसके बाद आप देखेंगे अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो पीसीआर भी हल्का यहाँ पे जो है, सॉरी इंडिया विक्स भी आपका हल्का हो जाएगा, एंड पुट कॉल रेशियो तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। तो यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए ज्यादा, देखिए मैं हमेशा कॉन्ट्रा बेट्स के लिए जाना जाता हूं मार्केट में। जब देखिए मार्केट में अगर आप खुद बोलते हैं 100 में से 5 लोग पैसा बनाता है, तो जो 100 लोगों को दिखाया जाता है 95 लोग उसी में ट्रैप हो जाते हैं। बातों को यहां पे चीजों को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए ट्रेडिंग का। जो 100 लोगों को दिखाया जाता है, आप सबको दिखाया जा रहा है सेल ऑफ है सेल ऑफ है, सब बेच दीजिए पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दीजिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मार्केट बंद हो जाएगा ताला लग जाएगा। अगर जिस स्पीड से मार्केट नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब 10 दिन में जीरो होना चाहिए फिर, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होने वाला, तो आपको कॉन्ट्रेरियन बनना पड़ेगा मार्केट्स में। जब भी आपको 18,000 दिखा, मैंने खुद वीडियो बना के बोला, अभी भी वीडियो आप चेक कर लीजिए कि यहां से मुझे 18,000 के ऊपर मार्केट अभी के लिए नहीं दिखता, थोड़ा करेक्शन आ जावे उसके बाद हम लोग जो है एंट्री फिर से लेंगे, लॉन्ग्स करेंगे। तो अभी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एंट्री करने का, तो ये लेवल्स पे मैं कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा। यहां पे मेरे को अपना स्टॉप लॉस पता है 17,400, तो 17,400 के स्टॉप लॉस से हम लोग एक कॉल ऑप्शन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन एक लेवल होगा उसके ऊपर ही आपको कॉल बाय करना, दैट लेवल विल बी 17,560। मैं मेंशन कर देता हूं बाय सीई अबव 17,560, इसके ऊपर जो है आपको कॉल ऑप्शन लेना है, नीचे जो है पुट ऑप्शन आपको लेना है नीचे 17,440 के नीचे, ठीक है? बाय सी अबव 17,560 एंड नीचे पुट ऑप्शन आप लीजिए 17,440 के नीचे। तो दोनों लेवल्स आपको बराबर समझ में आ चुकी होगी, एंड अगर मान लीजिए मार्केट ये सेकेंड रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलती है, मेरे हिसाब से 25 तारीख का आपको जो है सेटलमेंट, मंथली एक्सपायरी का जो सेटलमेंट होगा वो आपको 18,000 के ऊपर ही दिखना चाहिए। दिस इज माई प्रेडिक्शन, आई माइट बी रॉन्ग, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, ठीक है? सबका अपना अपना व्यू होता है, सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, इसलिए बायर्स है सेलर्स है मार्केट में। तो ये लेवल्स नोट डाउन कीजिए, अगर मान लीजिए कल ही मार्केट ने जो है आज का डे हाई क्रॉस करके 17,750 तक जस्ट टच करके या तो वहीं पे क्लोजिंग कल दे देती है, तो आपको बुधवार एंड आपको गुरुवार तक दोनों दिन में आपको जो है 300 पॉइंट की इजी रैली मिल जाएगी, जो 18,000 के पार मार्केट को लेके जा सकती है। एंड हमेशा ऐसे लेवल्स पे कॉन्ट्रेरियन बनना चाहिए, पैसे वहीं पे बनते हैं। 100 में से जो लोग 95% लोग जो देख रहे हैं जिसमें फंस रहे हैं, तो उसी के फंसने से 5% लोग पैसा बनाते हैं, तो इस चीज को आपको समझना है। 95 लोग अगर यहां पे बेच रहे हैं, पुट ऑप्शन ले रहे हैं या तो कॉल को बेच रहे हैं, तो बहुत हेवी क्वांटिटी में ट्रैप हो सकते हैं। तो यहां पे जो है जो लॉन्ग करेगा, जो यहां पे पुट बेच के बैठा है, जो यहां पे कॉल खरीद के बैठा है, उन लोगों को ज्यादा यहां पे प्रॉफिट होगा। दैट इज व्हाई इन द मार्केट्स वी ऑलवेज सी 5% मेकिंग मनी एंड 95% लूजिंग मनी, राइट? तो यही कॉन्ट्रेरियन का यही फायदा होता है। जब भी आप अपना कॉन्ट्रेरियन व्यू रखना स्टार्ट करेंगे मार्केट में, आप अपना ट्रेडिंग भी सुधारेंगे, पीएनएल भी आपका इंप्रूव होगा, एंड यहाँ पे लॉस से आप बचेंगे, बिकॉज आपको अपना स्टॉप लॉस मालूम होगा। मेरे को 18,000 पे जब मैंने शॉर्ट किया था निफ्टी को, मेरे पास अभी भी पीएनएल का जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है मैं अभी भी आपको शो कर सकता हूँ। 18,000 का मैंने कॉल को राइट किया था, 17,950 का पुट ऑप्शन बाय किया था, एंड हेवी क्वांटिटीज में 17,800 का भी पुट ऑप्शन लिया था, जिसको आज मैंने बुक किया 330 में।
ठीक है, यहाँ पे 330 रुपीज में मैंने बुक किया एंड 17,800 का जो पुट ऑप्शन मैंने बाय किया था वी बॉट इट एट 71 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए, जब मेरे को अपना स्टॉप लॉस मालूम है तभी ट्रेडिंग करने में मजा है। अभी मेरे को अपना स्टॉप लॉस मालूम है 17,400 का, 17,500 से 17,560 से मैं मार्केट्स को जो है यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए देखूंगा, तभी मेरा पैसा बनेगा। अदरवाइज न्यूज में सुन के, इसका उसका टेलीग्राम देख के, हजारों चीजें देख के आपको कंफ्यूजन ही होगी, आप कंफ्यूज होकर गलत डिसीजन लोगे, लॉस आप ही का होगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो है क्लियर कट मेरे को अपना स्टॉप लॉस मालूम है, बैंक निफ्टी लॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट होगा 38,000 के यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस के साथ। तो बैंक निफ्टी में देखिए बाय सी अबव 38,400, ठीक है 38,400 के ऊपर ही सी लेना है। SL इसका जो लगेगा दैट इज 38,000 या तो 38,200 भी रख सकते हैं, थोड़ा टाइट हो जाएगा लेकिन उसके नीचे मैं देखता नहीं हूं। यहां पे 4 आवर्स का कैंडल, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 आवर्स का बैंक निफ्टी का कैंडल है। इतना बड़ा करेक्शन देने के बाद करीब करीब यहां पे देखेंगे आप तो 1600 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है बैंक निफ्टी। इसके बाद थोड़ा तो रिट्रेसमेंट आवे, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्राइजेस के साथ। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे बोलता है कि बेचो तो हम लोग बेचेंगे, अगर खरीदने के लिए बोलता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स भी करेंगे फर्दर। ठीक है, बाय सी अबव 38,400, 38,200 के स्टॉप लॉस के साथ एंड डीप डाउन स्टॉप लॉस विल बी 38,050। एंड नीचे जो आपको पुट ऑप्शन लेना है वो किसके नीचे आप ले सकते हैं, बाय पी बिलो, यहाँ पे जो है लेवल्स आपको देखना पड़ेगा 38,000 का। 38,000 अगर ब्रेक होता है तो 37,000 तक भी जा सकता है, ये भी लेवल आप ध्यान रखिए बिकॉज नीचे कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो नीचे के लिए आपको ध्यान रखना है 38,000 का लेवल। 38,000 जैसे ही ये ब्रेक करेगी 250 EMA इजी अप्रोच है, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए टिल 36,100। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 38,000 ब्रेक होगा तो 36,100 तक भी जा सकती है। इसका मतलब करीब करीब यहाँ पे 2000 से लेके 1900 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल आ सकता है नीचे, क्योंकि 200 EMA इसका यहीं पे आ रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब ये कल परसों तक आता है या नेक्स्ट एक्सपायरी में आएगा वो बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर ब्रेक होता है 38,000 तो डेफिनेटली आपको 36,100 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मैं मार्केट में थोड़ा कॉन्ट्रेरियन हूँ, यहाँ पे बाइंग के लिए आप देख सकते हैं 38,400 के ऊपर फर्स्ट टारगेट विल बी 38,550, सेकेंड टारगेट विल बी 38,700, थर्ड टारगेट विल बी 39,100। वहां पे फिर हम लोग प्राइस एक्शन को देख के बेच सकते हैं, वॉल्यूम्स डेटा ऑप्शन चेन सब कुछ देख के, मार्केट का मूड माहौल समझ के फिर हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन यहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट में आना चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने डिस्कशन कर लिया, कल के लिए फर्स्ट स्टॉक दैट विल बी फॉर बाइंग, देखिए टाटा कंज्यूमर में FMCG स्टॉक्स में बहुत अच्छा बाइंग हम लोगों ने देखा, तो पहला स्टॉक के लिए कल के लिए पहला स्टॉक जिसमें आपको बाइंग करनी है दैट इज टाटा कंज्यूमर। ठीक है, टाटा कंज्यूमर में आप लॉन्ग कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 784, तो आपको बाय करना है 795 के ऊपर। 784 का जो है SL रखिए, SL आपका 784 का होगा, फर्स्ट टारगेट विल बी 800 का पहला, या तो 799 का पहला टारगेट आप लेके निकल सकते हैं। छोटा छोटा टारगेट के लिए एम कीजिए तभी जाके आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। 810 का फुल एंड फाइनल टारगेट है, अगर 810 को निकल जाता है देन इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा कंज्यूमर में लॉन्ग करना है, सेकंड पिक विल बी टाटा स्टील। टाटा स्टील यहां पे थोड़ा कॉन्ट्रेरियन मैं व्यू रख रहा हूं बिकॉज 50 EMA टच करके सपोर्ट लेके फिर ये बंद हुआ है, तो कल के लिए अगर 50 EMA नहीं तोड़ता है तो वही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए ट्रेडर को अपना स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए। टाटा स्टील में आप जो है स्टॉप लॉस आपको जहां पे दिख रहा है 103 का स्टॉप लॉस, तो आप क्यों नहीं बाय करना चाहेंगे, 105 में बाय कीजिए, 103 का जो है SL रखिए। SL जो है आपका बिल्कुल टाइट होगा, यहाँ पे 103 रुपए का SL है। टारगेट्स आपका पहला टारगेट 107, देन उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए 108 देन 111। ठीक है, ये तीन टारगेट्स के लिए टाटा स्टील में आपको कल करनी है बाइंग। एंड जो भी मैं लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, कल बिफोर द मार्केट ओपन्स मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। जिसको यहाँ पे प्रीमियम पेड सर्विस ज्वाइन करना है
जहां पे 97% एक्यूरेसी के साथ आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल डिफरेंट निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी प्लस इक्विटी इंट्राडे कॉल्स आपको मिल जाते हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको ऑफर के बारे में मालूम चल जाएगा, तो वहां से पहले फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए डिस्क्रिप्शन से, देन वहां से हम नंबर पे संपर्क कर सकते हैं फॉर प्रीमियम प्लस ग्रुप। तो 9804757611 एक ही नंबर है फिनोस्टार्ट का, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हाई हेलो भेजिए, बाकी के डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। थर्ड पिक विल बी डिक्सन टेक। यहां पे देखिए डिक्सन टेक में बहुत अच्छा पैटर्न बना है, यहां पे भी बाइंग करना है कल के लिए। एंड टाटा स्टील में मैं सेल के लेवल्स भी दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। यहां पे देखिए बाय डिक्सन टेक, आपको जो डिक्सन टेक को बाय करना रहेगा अबव 40-45 यानी कि 4045 के ऊपर आपको बाय करना रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो 4020 का है, एंड उसके बाद टारगेट्स आपको 4060 के इजी टारगेट्स मिल जाएंगे, 4085 का सेकेंड टारगेट, 4080 एंड 4125, ये तीन टारगेट्स के लिए आपको डिक्सन टेक में लॉन्ग करना है। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें ब्रेकआउट आपको तभी दिखेगा जब ये 4115 के ऊपर निकल जाएगा। तो डिक्सन टेक को यहाँ पे लॉन्ग कीजिए। एंड सेलिंग के लिए कल देखिए कॉन्ट्रा व्यू मेरा है, इसलिए सेलिंग के लिए कोई स्टॉक नहीं है, फिर भी टाटा स्टील में आप सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो मेटल सेक्टर और प्रेशर में रहेंगे, तो यहाँ पे 50 EMA के नीचे अगर चला जाएगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको सेलिंग प्रेशर 99 तक आपको जो है अप्रोच होते हुए दिखेगा। तो 104 में बिकवाली भी कर सकते हैं, 106 का लगाइए स्टॉप लॉस, 99 का नीचे में टारगेट होगा। तो टाटा स्टील में बाइंग एंड सेलिंग दोनों का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में सिर्फ आपको कल बाय करना है, बिकॉज कैंडल का जो ये चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। इसमें आप जो है करेक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक को बाय करने के लिए देख सकते हैं, बाय कोटक बैंक एट द रेट 1835 में बाय कीजिए। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होगा 1823 का, फर्स्ट टारगेट विल बी 1841, 1845 एंड 1852, ये तीन टारगेट्स के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में आप कल लॉन्ग कर सकते हैं। तो कल व्यू जो है मेरा कॉन्ट्रेरियन है, इसलिए मैंने स्टॉक्स भी ऐसा पिक किया जो आपको ऐसे मंदी वाले बाजार में भी अच्छा खासा अगर तेजी आती है बाजार में रिकवरी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेगी। टाटा कंज्यूमर तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, टाटा स्टील में गिरावट जो होना था वो हो चुका है, डिक्सन टेक आज भी पॉजिटिव बंद हुआ, यहाँ पे भी आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखिए नीचे खुला है लेकिन ऊपर जाके बंद हुआ है स्टॉक, तो ये कल के लिए एक तेजी दर्शाता है। एंड कोटक बैंक HDFC बैंक अगर ऊपर जाएंगे तो बैंक निफ्टी को भी 39,000 फिर से पार करा सकती है। निफ्टी में यहाँ पे देखिए अगर FMCG मेटल एंड ऑटो ये तीन सेक्टर अगर कल थोड़ा सपोर्ट कर दे एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी ऑफकोर्स, तो निफ्टी में भी हम लोग कल फिर से 17,800 का जो स्पॉट प्राइस है वो रिक्लेम करता हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो मार्केट में थोड़ा कॉशियसली काम कीजिए, मैं फिर से बोलूंगा ऑप्शन चेन डेटा देखिए, हमेशा एक प्रोफेशनल एडवाइजर का एडवाइस लीजिए बिफोर ट्रेडिंग इन द मार्केट्स। एंड यहाँ पे देखिए लेवल्स को फॉलो कीजिए, कल वीडियो को रिवॉच कीजिए जरूर, एंड जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पे आप ही के हेल्प से हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स रीच करेंगे। वी आर वेरी वेरी क्लोज, वी आर ओनली 180 सब्सक्राइबर अवे फ्रॉम 10,000 सब्सक्राइबर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स एम फॉर 50 लाइक्स इन दिस वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड यहाँ पे आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।